हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज सपना मेहर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे आई एम व्लॉगिंग बिकॉज येस ऑफ कोर्स आई हैव टू व्लॉग। आई एम शिफ्टिंग इन माय न्यू हाउस। सो मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी हूँ, सब काम खत्म हो चुका है नए घर का। लेट मी डू दिस। सो सब शिफ्टिंग का काम खत्म हो चुका है एंड एवरीथिंग इज ऑल सेटअप। एंड जस्ट मैं अभी उठी हूँ बिकॉज कल रात को ही मैंने सब शिफ्टिंग का काम करवाया। एंड येस टुडे आई एम हियर। तो आधा सामान मेरा था और आधा सामान यहाँ पे ऑलरेडी था, सो इट्स गुड फॉर मी। एंड आप सब जानते ही हो कि मैं मुंबई में रहती हूँ एंड मुंबई में ही मैंने ये घर चेंज किया है फॉर सम टाइम फॉर सम रीज़न। येस ऑफ कोर्स। एंड येस, अगर आप लोगों को मेरा हाउस टूर या ऐसा कुछ चाहिए, मेरा वैनिटी टूर चाहिए, हाउस टूर चाहिए, मेरा वार्डरोब टूर चाहिए, प्लीज़ कमेंट एंड कमेंट डाउन कि आप लोगों को आप और कौन से वीडियो देखना चाहोगे। आज तो मैं ऐसे ही व्लॉग कर रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू व्लॉग इट, सो दैट इज़ द रीज़न आई एम व्लॉगिंग इट। जस्ट मैं अभी उठी हूँ, मैंने चाय पी ली है एंड अब मैं अपना थोड़ा बर्तन वगैरह का काम करूँगी बिकॉज येस ऑफ कोर्स आई हैव टू डू दैट माई सेल्फ। धोने डाले थे मशीन में, वो धो के सेट हो चुके हैं। चलो अब इसको लगा देते हैं। यहाँ की इस घर की वाइब सच में बहुत अलग है एंड बहुत पॉजिटिव है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को इस घर का टूर चाहिए कि नहीं चाहिए। व्हाट यू वांट गाइस। सून मेरे चैनल पे जो मेरा शिफ्टिंग व्लॉग चल रहा है, मेरा शिफ्टिंग का मैं एक व्लॉग करने वाली हूँ वन बाय वन स्मॉल स्मॉल सेशन में, जिसमें मैं अपना मेकअप फिक्सिंग करूँगी, अपना वार्डरोब फिक्स करूँगी, अपना वर्क स्टेशन फिक्स करूँगी, अपना बेड एरिया फिक्स करूँगी एंड द लिविंग रूम ऑल्सो। ऑल्सो आई एम अप्लाइंग दिस फ्रेगरेंस का ढक्कन, दिस फ्रेगरेंस, दिस इज ओपन स्काई फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स एंड आई लाइक माई एवरी डे परफ्यूम। ऑल्सो मेरी स्कैल्प ना इट्स वेरी ऑयली और आज मुझे बाल धोने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैंने टेलकम पाउडर लिया है और जहाँ जहाँ पे मुझे ऑयल लग रहा है वहाँ पे मैंने अप्लाई करके ऐसे ब्रश कर दिया है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग भी ऐसा करते हो कि नहीं करते हो। दिस इज़ द टेलकम पाउडर आई एम यूजिंग एंड अगर ये आप अपनी स्किन पे लगा सकते हो तो ऑफकोर्स बाल पे लगा ही, स्कैल्प पे लगा ही सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, सो टेलकम पाउडर लगाने के बाद यू हैव टू रब योर हेयर एंड यू हैव टू यू नो डिसॉल्व दैट वाइट कास्ट। सो वाइट कास्ट सब चली जाएंगी एंड फिर अगर हवा में जाओगे तो योर हेयर विल लुक वेरी फ्रेश। सी इट्स लुक लाइक अभी ही मैंने इसको ड्राई किया। नाइस हैक, यस आई नो बहुत लोग यूज करते होंगे, ऑफ कोर्स ये कोई नई बात नहीं है। और मेरी ईयरिंग्स यही है, ये गोल्ड का है और यही यूजुअली मैं पहनती हूँ क्योंकि कंटाला आता है मुझे सब रिमूव करने में। हाँ, कभी कभी मेरा मूड होता है तो, एंड अभी तो ये शिफ्टिंग का काम है एंड ये ऑल चल रहा है तो मेरा पता ही नहीं है कि ईयरिंग्स कहाँ है क्या नहीं, सो आई एम नॉट चेंजिंग दैट। या सो दिस इज़ माई एवरी डे मेकअप। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। नाउ आई एम लिविंग फॉर माई ऑफिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू पीपल लाइकिंग माई व्लॉग्स और नॉट। एंड प्लीज़ सजेस्ट मी समथिंग एल्स ऑल्सो, अगर आपको कुछ और देखना है मेरी चैनल पे, क्या कुछ चैलेंज देखना है या वॉट एवर यू लाइक। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन एंड प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। आई वॉन्ट टू ग्रो माई चैनल एंड आई वॉन्ट टू लीव ऑल हसल ऑफ माई लाइफ इन असाइड एंड आई हैव टू कंटिन्यू as a YouTuber, a full-time YouTuber. So please help me and please, 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 please subscribe my channel.
A few moments later. फटाफट से मैं ऑफिस आ गई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था, टाइम हो गया था मेरा ऑफिस आने का. सो राइट नाउ आई एम इन द ऑफिस एंड आई एम गोइंग टू डू सम वर्क एंड पैरेलली आई एम गोइंग टू हैव माय ब्लैक कॉफी. चीयर्स टू यू, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. प्लीज स्टार्ट टू योर वर्क, इट्स रिमाइंडर. आई नो एवरीवन इज वर्किंग, एवरीवन इज डूइंग समथिंग, एवरीवन इज हसलिंग to earn money and I am also doing the same thing. Just done with some work and now I'm taking small break and maybe eat something. A few moments later. Hello guys, good morning. This is the next day and I am having my tea here with some jaggery. And today I am eating Mary because कुछ भी नहीं है घर पे और सब ग्रोसरी लेना जाना पड़ेगा. उसके बाद ही मैं कुछ बना पाऊँगी. And आज तो बहुत ही लेजी डे है, I don't know why, मेरी आँखें खुली नहीं रही है. And yeah, so just having my tea and having Mary. Catch up you later once I get fresh. A few moments later. Hello everyone, this is another day and please ignore my hair. I know I am looking very bad right now. I'm very 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 much hungry. I was working whole evening and noon and I am really hungry right now, so I am making one uttapam. Main iska plating kar deti hu और एक एक्सपेरिमेंट मैं कर रही हूँ, लेट मी शो यू. मैंने चीज स्लाइस के अंदर ग्रीन चिलीज एंड स्प्रिंकल किया है एंड आई एम गोइंग टू पुट इट डाउन लाइक दिस एंड नाउ लेट्स सी. Almost cooked. Looks really yum. Guys, ये मेरा उत्तपम ready है. ये सिजवान चटनी है और ये मैंने चीज़ melt किया था. पता नहीं इसका क्या हो गया था, मैं खा के बताती हूँ.
इसका हाल क्या हुआ है. हम करते हैं इसको बंद. एंड नाउ लेट्स ट्राई दिस डिश आउट हियर. मेरा घर अभी भी मैस ही है, तो यहाँ पे मैं काम कर रही थी लैपटॉप पे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ईट एंड लेट यू नो. ऑल्सो मैंने ये लखनवी कुर्ती पहनी है आज. पहनी थी आज बिकॉज नाउ दिस इज ऑलमोस्ट 7:45 एंड आई एम गोइंग टू चेंज फ्रॉम दिस आउटफिट टू नॉर्मल आउटफिट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये उत्तपम ट्राई करूँगी. Yum, delicious. Now I will try this cheese. Wow, ये भी बहुत better लग रहा है, बहुत सही लग रहा है यार. I mean, I love it. अगर आपको कुछ नया खतरा करने का बहुत सोचता है like me, and you are a big fan of खतराज and experiments. You have to try this. Just put some green chilies on cheese. मेरा cheese जो था उसमें salt नहीं था, without salt था, तो मैंने थोड़ा salt add किया. And then I put it on tawa. It melts like a yummy thing. थोड़ा crispy भी हो गया है. A few moments later. It is a night time and I am making rasam and rice. So if you want to see, this is a rasam. This is rice. मैं रसम पहली बार बना रही हूँ. मैंने यूट्यूब का एक वीडियो देख के रसम का रेसिपी लिया है और बनाया है. और अभी मैं लास्ट 4 to 5 मिनट उसको उबाल रही हूँ. लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. आज पता नहीं मुझे रसम राइस खाने का मन हुआ है तो मैंने फटाफट से बना दिया. घर में सारे इंग्रेडिएंट्स वैसे तो थे जो यूट्यूब वीडियो में अवेलेबल थे. आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज यू नो फर्स्ट टाइम जब आप कुछ नया चीज़ ट्राई करते हो ना तो बहुत ही मज़ा आता है आपको, यू नो. और यू नो रसम बनाना इतना इजी है, मेरे को पता ही नहीं था लाइक कितने कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसमें. मैंने बना दिया. एंड मेरे जैसे लेजी पर्सन के लिए एक चीज़ दिखा दी हूँ. अगर आपको रसम राइस या सूप बनाना हो तो दिस इज़ द थिंग आई एम यूजिंग. दिस टोमेटो प्यूरी डाबर का है, ये होममेड टोमेटो प्यूरी है. इसमें नो एडेड प्रिजर्वेटिव है, नो एडेड कलर है. तो ये एक मीडियम साइज़ का टोमेटो जो होता है उसका जितना है. ये किसी में भी आप यूज़ कर सकते हो. आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ऐसे फ्रोज़न मत यूज़ करो, बट ये मैंने ट्राई करने के लिए लिया था क्योंकि कभी कभी मेरे पास टोमेटो नहीं होते हैं तो मैंने सिर्फ ये 2 लिया था. तो एक मैंने इसमें यूज़ कर लिया है. द नेक्स्ट इज़ दिस. दिस इज़ पेंडिंग नाउ. एंड शायद अगर ये रसम राइस बहुत अच्छा बन गया तो मैं इसी का यूज़ करके एक आध वीक के बाद वापस से बनाऊँगी. कंसिस्टेंसी वाइज तो ये सही बना है. मैंने जो वीडियो देखा उसमें ऑनियन नहीं डाला था, बट मैंने ऑनियन डाला है फॉर द टेस्ट. एंड उसमें तो धनिया बहुत सारा डाला था, बट आई डो नॉट हैव धनिया, सो आई एम नॉट गोइंग टू पुट धनिया इनटू इट. यमी तो लग रहा है वैसे. राइस इज ऑन द फ्लोर. राइस अभी पकना बाकी है. इसको मिलते हैं आप लोगों को डिनर की प्लेट पे. सो दिस इज हाउ इट टर्न आउट. यम. सो लेट्स जस्ट हैव दिस रसम राइस. Oh my God, ये तुमने बाहर खाया था वैसा ही बना दिया है. सच में इट्स टेस्ट सो यम. Oh my God, yeah. अब मैं मिलती हूँ आपको. बाय बाय. मैं पूरा खत्म कर देती हूँ ये. आई लव दिस रेसिपी. प्लीज मस्ट ट्राई इट. एंड अगर आपको रेसिपी चाहिए तो प्लीज कमेंट मी इन डाउन सेक्शन. बहुत ही यम बना है, ट्रस्ट मी. आई एम नॉट फेकिंग इट. इट इज यम्मी स्वरी.